This news sponsored by Cummins College of Engineering for Women. नमस्कार, स्वागत है आपका इन बिजी न्यूज पर। आज के टॉप 20 में मैं हूं आपके साथ भाग्यश्री। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा कि मैं सभी मतदाताओं से अनुरोध करता हूं कि वे मतदान करें और अपने लोकतांत्रिक मताधिकार को व्यक्त करें। मुझे उम्मीद है कि बीजेडी को विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत मिलेगी। जौनपुर से बीजेपी के उम्मीदवार और महाराष्ट्र के पूर्व गृह राज्य मंत्री कृपा शंकर सिंह ने कहा कि इस बार पीएम मोदी के गले में 400 की माला में से एक जौनपुर की भी होगी। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि पीडीपी के लोगों को बिना किसी वजह के थानों में बंद किया जा रहा है। सब लोग इसमें शामिल हैं। पीडीपी के एजेंट्स को थाने में बंद किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज दिल्ली में वोट डाला है। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी अभी 303 सीटें हैं। 10% सीटें बढ़ती है तो 330 होती है, 15% बढ़ती है तो 345 सीटें होती है। हरियाणा के पूर्व सीएम और करनाल लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा के करनाल में एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज वाराणसी में पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के समर्थन में एक रोड शो करेंगी। उनके साथ डिंपल यादव भी होगी। नागपुर के झंडा चौक इलाके में लोगों ने उस तेज रफ्तार कार में तोड़फोड़ की जिसने 3 लोगों को टक्कर मारकर घायल कर दिया था। पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिला प्रशासन ने चक्रवात रिवल के मद्देनजर मछुआरों को सलाह जारी की है। आईपीएल 2024 के दूसरे क्वालिफायर में सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। शनिवार को चुनाव के छठे चरण में 8 राज्यों की 58 सीटों पर मतदान किया जा रहा है। इस बीच दिल्ली, बंगाल, जम्मू कश्मीर, ओडिशा से ईवीएम मशीन खराब होने, ईवीएम से छेड़छाड़ और मशीन पर बीजेपी के टैग की शिकायत की जा रही है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर कपिल देव ने मतदान करने के बाद कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि हम लोकतंत्र में हैं। लोग अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए सही उम्मीदवार चुने। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने लोधी रोड बूथ पर अपना मतदान किया। प्रियंका ने कहा कि वोट करें और बदलाव लाएं। संविधान और लोकतंत्र के लिए वोट करें, इंडिया ही जीतेगा। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने दिल्ली में मतदान किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र का त्यौहार है, भारत के लोगों की संप्रभुता के अधिकारों का उत्सव है। चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और उनके परिवार के सदस्यों ने दिल्ली में मतदान किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और उनकी पत्नी सुदेश धनखड़ ने दिल्ली में मतदान किया। उन्होंने कहा कि मताधिकार दायित्व भी है और ताकत भी है। भारत विश्व का सबसे ज्वलंत, सक्रिय और प्रभावी लोकतंत्र है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के बेटे रेहान राजीव वाड्रा और बेटी मिराया ने मतदान किया। अरविंद केजरीवाल ने जनता से वोट अपील करते हुए कहा कि लोकतंत्र के इस महापर्व में आपका एक एक वोट तानाशाही सोच के खिलाफ भारत के लोकतंत्र और संविधान को मजबूत करने के लिए होगा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि पुणे में हुई कार दुर्घटना के मामले में कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। इस घटना में 2 लोगों की मौत हो गई थी। महाराष्ट्र में पुणे पुरुष कार एक्सीडेंट केस में 2 पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। लापरवाही बरतने के मामले में 2 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है। पुणे के पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने कहा कि हमारी जांच के दौरान यह स्पष्ट रूप से सामने आया है कि नाबालिग ही कार चला रहा था और हमने पहले ही सभी जरूरी साक्ष्य जमा कर लिया है। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए एनबीसी न्यूज़।